लल्लन टॉप यूपी का हालचाल लेने निकला है। हालचाल के सिलसिले में पहुंचे बरेली, और बरेली पहुंचे तो एक जो बड़ा सिलसिला है बरेलवी संप्रदाय जिसको कहा जाता है, हालांकि इस संप्रदाय से जुड़े लोग इस नाम के साथ इत्तेफाक नहीं रखते, कहते साहब स्कॉलर्स हमें बुलाने लगे क्योंकि जो संस्थापक थे वो रजा खान साहब बरेली के थे, तो बरेलवी शुरू हो गया। तो उस संप्रदाय से जुड़े हैं तौकीर रजा खान साहब, और इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल, जो इस इलाके में खासी प्रभावी मानी जाती है, खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं के बीच। तमाम राजनीतिक दल इनसे गठजोड़ की कोशिश करते हैं, और जो गठजोड़ नहीं करते हैं उनके अपने एक्सपीरियंस भी हैं और इल्ज़ाम भी हैं। तो ये इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल क्या है, बरेलवी संप्रदाय क्या है, तौकीर रजा खान की पॉलिटिक्स क्या है, इनके तमाम बयान कईयों की नज़र में विवादित बयान, उन बयानों पर इनकी सफाई क्या है, इनकी सोच क्या है, और बहुत सारे सवाल हैं दर्शकों के, उनको लेके हमें लगा कि जब हम बरेली आए हैं तो बातचीत की जाए। तौकीर साहब आपने वक्त दिया, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक दुनिया भर में फैले हैं जी, उनको ये एक क्यूरियोसिटी होगी कि ये बरेलवी संप्रदाय क्या है, तो पहले तो यही बता दीजिए भाई साहब। बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट असल में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले जो इस्लाम, ये जो आपने लंबा सा नाम लिया ये मोहम्मद साहब बोला जी जी, अच्छा, इस्लाम की जो 1400 साल पहले शुरुआत हुई, हाँ, असल में वो है। इसमें बरेलवी हो गए, देवबंदी हो गए, शिया और सुन्नी हो गए, तो ये बाद में, लेकिन जो असल मसलक है स्कूल ऑफ थॉट, मसलक मतलब स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट जी, वो बरेलवी कहा जा रहा है क्योंकि आला हजरत बरेली के हैं इस वजह से, वरना असल में ये स्कूल ऑफ थॉट वही है जो हमें हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दिया है। जो मैं आपको ना भाई साहब, जनता समझ रही है, अरे नहीं सब जनता देखती है, थोड़ा सा सिंपल रखेंगे लैंग्वेज तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगी, वरना आधे इंटरव्यू में पूछता ही रहूंगा इसका मतलब है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका सेक्ट है वही असली है, असल वही है असल। और बाकी सब नकली है, बाकी नहीं, अकीदे में फर्क है, अकीदा मतलब यकीन, यकीन में फर्क है। जैसे हमारे यहाँ का मानना यह है कि हुजूर मोहम्मद साहब जी ने, आप लोग कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नज़दीक आज भी हमारी दुआ को सुनते हैं और हमारी जो फरियाद है उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं, हमारी सुनते भी हैं और हमारी ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, पूरी करते हैं जी। बाकी दूसरे लोगों का मानना है कि नहीं वो तो ख़त्म हो गए। ऐसे ही जितने बुजुर्गान दीन है, जिन मज़ारात जिनके हैं, जैसे अजमेर शरीफ है या बरेली शरीफ है या कलियर शरीफ है, उन लोगों का मानना है कि ये मिट्टी के ढेर हैं। हमारा मानना ये है कि जो बुजुर्गान दीन हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे, अल्लाह के प्यारे बंदे, उनको अल्लाह ने वो शक्ति दी हुई है कि वो आज भी हमारी बात सुन सकते हैं, इसीलिए मज़ारात पे लोग जाते हैं, अपनी दुआ करते हैं, मानते हैं। तो तकरीबन 80% मुसलमान जो हिंदुस्तान में, तकरीबन 20-22 करोड़ मुसलमान जो हैं, उनमें हिंदुस्तान के तकरीबन 80% मुसलमान जो हैं वो इसी मत के मानने वाले हैं, आपके दरगाहों को, मज़ारों को मानने वाले हैं। अच्छा जी जी, ये मैं चूंकि यूपी के दौरे पर निकला हूँ, जैसा मैंने शुरू में कहा, तमाम जिलों में अभी तक जा चुका हूँ, 22-24 जिले हो गए हैं, उसमें एक जिला सहारनपुर भी था, वहाँ पे देवबंद भी है जी जी। देवबंदी सेक्ट के बारे में भी हमने बड़ा सुना है, वो क्या है देवबंदी सेक्ट? मैं देखिए ऐसा है, मैं मजहबी और मसलकी, ये मसलकी क्या होता है? मसलक वही है जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, जो देवबंद का स्कूल ऑफ थॉट है। हमारे इनके जो मतभेद है वो मैंने अभी आपको बताया, उनके नज़दीक मज़ार पे जाना या चादर चढ़ाना, कव्वाली सुनना या दुआ मांगना, कव्वाली वगैरह, तो इन कव्वाली होती है उनके यहाँ? नहीं, उनके यहाँ कुछ नहीं होता है, उनको म्यूजिक से दिक्कत है? नहीं, उनको हर चीज़ से दिक्कत है, मज़ार पे जाने से ही दिक्कत है, हाँ। चादर चढ़ाने से दिक्कत है, हाँ। तो
वो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि हमारे उनके ये डिफरेंसेस हैं, बाकी वो भी मुसलमान समझे जाते हैं, हम भी मुसलमान समझे जाते हैं। आप मानते हो उनको मुसलमान? आप मानते हो? हाँ? आप मानते हो? मैं तो इस देश का संविधान मानता हूँ, और इस देश का संविधान संविधान तो हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। तो इस देश का नागरिक वो भी है? जो देश का नागरिक है, हर एक नागरिक देश का संविधान मानता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो या किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो। तो वो तो संविधान की बात, संविधान नागरिक की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं तौकीर रजा खान साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो बरेलवी सेक्ट से जुड़े हैं। Okay. बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी होगी, भाई साहब भैया पंखा ना चलाओ प्रभु। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कई लोगों ने पूछा हमसे सवाल कि खान साहब से पूछेगा कि जो बरेलवी सेक्ट के लोग हैं वो देवबंदियों को या शिया संप्रदाय के लोगों को या तमाम और जो सारे सेक्ट हैं उनको मुस्लिम मानते हैं या नहीं। अब हम तो समझते नहीं है, देखिए आप ही बता दो नहीं, क्या है मसला। मैं बताऊँ, शरई जो मामला हैं, मैं तो एक तो मजहबी बात गुफ्तगू में करता नहीं हूँ आमतौर से। अच्छा, आज आपने अपने समझने के लिए ये जिक्र निकाला है तो इतनी गुफ्तगू मैंने कर ली। मेरे और मेरे दर्शकों। हाँ हाँ, नहीं मैं दर्शकों के लिए तो मैं कहता हूँ कि सीधी बात यह कि मैं इत्तेहाद मिल्लत का आदमी हूँ, सामाजिक एकता चाहता हूँ, बराबरी चाहता हूँ और भाईचारा चाहता हूँ मैं जी। तो मैं हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठ के मैं बात करता हूँ। अच्छा जी। मैं सबको, भारत के सारे नागरिक हैं, हम सब आपस में भाई हैं। मैं इस मिजाज का आदमी हूँ। हाँ। तो अब मुसलमानों में कितने फिरके हैं, हाँ, कितने डिफरेंसेस हैं, उनसे ऊपर उठ के मैं बात करता हूँ। मैं देवबंद भी गया था, मेरे अपने लोग मुझसे नाराज भी हुए, मैं देवबंद भी गया था, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरा अकीदा मेरे और मेरे रब के बीच की बात है, मेरा अकीदा मेरे और मेरे कब्र की बात है, उनका अकीदा अच्छा है या बुरा है वो जाने, लेकिन चूंकि उन्हें सब मुसलमान समझते हैं, हिंदूवादी संगठन मुसलमान समझते हैं, हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां उन्हें मुसलमान समझती हैं, सरकार मुसलमान समझती है, इसलिए ऐसे मुसलमान समझे जाने वाले वो तमाम लोग, वो चाहे शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, ऐसे मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए, जो कलमा पढ़ने वाले लोग। आपने अभी भी ये नहीं बताया कि बरेलवी उनको मुसलमान मानते हैं कि नहीं। नहीं, बरेलवी नहीं मानते। नहीं मानते, बरेली काफिर मानते हैं। एक बरेलवी, मैं इसको थोड़ा समझ लेता, बरेलवी उन्हें काफिर मानते हैं। मतलब आपके हिसाब से जो देवबंदी हैं या शिया हैं या अहमदिया हैं या दाऊदी बोरा हैं वो सब मुसलमान नहीं है। ओके, मुसलमान इस एतबार से नहीं है कि उनके अकीदे वो नहीं है जो हमें बताए गए हैं, उनके अकीदे में हमारे अकीदे में फर्क है। पर खान साहब, ये इंटरप्रिटेशन का मामला नहीं है? जैसे मैं, अगर चूंकि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं तो मैं उसके उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूं। देखिए ये फर्क हर मजहब में है, सिखों में भी ये फर्क पाया जाता है, मसलक का जो डिफरेंस है, सवाल ये हिंदुओं में भी पाया जाता है। अरे आप खान साहब सवाल तो सुनिए, हो सकता है फिर मेरा सवाल ज्यादा खुल के आए। जैसे कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, कोई किसी ईश्वर को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई देवी जी को मानता है, और कोई ये भी कहता है कि निराकार है आर्य समाज, है ना? तो लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हम ही हिंदू हैं, ये हिंदू नहीं है। आप कुछ भी मानते हो तो वो हो, पर वो ऐसे नहीं कहते नहीं साहब ये हिंदू नहीं, वो हिंदू नहीं, वो हिंदू नहीं। या जैसे ईसाइयों में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बहुत झगड़ा होता है आपस में, सिख धर्म में कई नए नए वो निकले हैं, कई डेरा सचखंड बल्ला और बहुत सारे निकले हैं जिसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, पर उसमें कोई ये नहीं मुझे कहता मिला कि सब बाकी सब नहीं है, सिर्फ हम हैं। ये बरेलवी और देवबंदियों का थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बरेलवी देवबंदी का, बरेली और देवबंदी की बात नहीं है सिर्फ, और भी हैं इसमें, बहुत से हैं, मैं लिख के मिला ऐसे बहुत से हैं, सलाफी, देवबंदी, हाँ, अहले हदी। जी जी जी, नहीं इसमें मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान में या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। हिंदुओं में कितने फिरके हैं, आर्य समाजी हैं, सनातन धर्मी हैं, कितने फिरके हैं, लेकिन वो सारे के सारे हिंदू हैं। और शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, ये तमाम मुसलमान हैं, मेरे नज़दीक मुसलमान है। लेकिन जो अल्लाह को मानता है, हाँ, और
उनके उनके यहाँ और हमारे यहाँ अकीदे में थोड़ा सा अंतर है। तो अल्लाह की शान में या रसूल अल्लाह की शान में, मोहम्मद साहब की शान में ज़रा सा भी कोई ऊँच नीच होती तो उसे हमारे यहाँ काफिर करार दिया जाता है, गैर मुस्लिम नहीं कहा जाता है। काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर जो शरीयत में कोई ख़ता करे, अल्लाह को नहीं मानता काफिर है, रसूलुल्लाह को नहीं मानता या रसूलुल्लाह के अधिकारों को नहीं मानता काफिर है। तो काफिर लोगों को ऐसा लगता है कि काफिर हमारे यहाँ हिंदू को या गैर मुस्लिम को समझा जाता है, काफिर हमारे यहाँ मुसलमान भी होते हैं। मुसलमान वो सब हैं जो शिया है या अहले हदीस है या वहाबी हैं, मुसलमान मैं उन्हें मानता हूँ, लेकिन उनसे जो कुफ्र सरजद हुए हैं क्या क्या है? एक सेकंड भाई साहब, थोड़ा सिंपल क्या हुए कुफ्र, क्या हुए हैं कुफ्र? कुफ्र वो है जो काफिर करता है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, तौहीन करे, रसूलुल्लाह का जैसे मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं कुफ्र कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, आप कुफ्र कहाँ कर रहे हैं, आप तो सवाल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए, मैं वैसे और वजाहत कर दूं भाई, मुझे मजहबी बात ठीक नहीं लगती, बिल्कुल अब इसके बाद पॉलिटिकल सवाल होंगे, लेकिन आपने जो मजहब की बात है, देखो मैं सुने मेरी, मैं इसी मिशन को लेकर इत्तेहाद के मैं देवबंद भी गया, मेरे अपने लोग मुझसे नाराज हुए, मेरे ऊपर फतवे भी लगाए, मेरा बायकॉट भी किया, अरे लेकिन मैं अपने उस मिशन पे कायम हूँ आज भी। कहाँ कायम हो? आपने तो तौबा की है कोर्ट के सामने। नहीं नहीं, किसने कहा? नहीं, चलिए सीक्वेंस में चलते, पहले दर्शकों को बता देते हैं, नहीं इसीलिए मैं तो देखिए पूछ ले रहा हूँ, पूछ लेना सबसे अच्छा होता है भाई, मैं बुद्धू दिखूंगा पर सच तो सामने आ जाए आपके हिस्से का। डॉक्टर साहब कुछ आपको बता रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको भी ले लें क्या कैमरे पे? तो फिर जरा हो जाने दीजिए जी। मैंने पढ़ा आपके बारे में, देखिए कि आप देवबंद गए, आप दोनों अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, पर आपने कहा कि देखिए स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कुछ मुद्दों पर हमें साथ दिखना चाहिए। सही, गए आप जी, आपकी बातचीत हुई तमाम बड़े मीडिया प्रतिष्ठानों में, तब तो ललन टॉप शुरू भी नहीं हुआ था, उसको रिपोर्ट किया गया, फिर हुआ बवाल, बरेलवी संप्रदाय के लोगों ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गया, आपने कहा मैं ऐसे गड़बड़ नहीं मानूंगा भाई, हैं? फिर 12 मुफ्ती बैठे, सही बात है यहाँ तक, फिर फतवा हुआ, आपको सजा दी गई? नहीं, मुझे मेरा जुर्म साबित ही नहीं हुआ, जुर्म साबित नहीं, आपने तौबा नहीं किया। मैं तौबा तब करूंगा जब मुझ पे गुनाह साबित हो जाए। तो जो 12 मुफ्ती बैठे थे, तौबा हमें हर वक्त करते रहने चाहिए, हर वक्त गलतियां करते रहते हैं हम, तौबा हमें हर वक्त करनी चाहिए। मैंने उन सब के सामने ये बात रखी थी, और देवबंद एक शहर का नाम है, देवबंद जाना कोई गुनाह नहीं है, और देवबंद में रहने वाले लोगों से या मदरसे वालों से मिलना कोई गुनाह नहीं है, वो गुनाह मैं बार बार करूंगा अगर गुनाह समझा जाता है, क्योंकि मेरा मकसद उस वक्त जो वहां जाने का था, उस वक्त आप ये समझिए कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब का एक बयान आया था जी कि हिंदू मुस्लिम फसाद से दोनों संप्रदाय को नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है, इसलिए इनमें आपस में इतने डिफरेंसेस हैं कि इनमें आपस में हम दंगे फसाद कराएंगे, ये सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान था। उस दौरान आपको याद होगा आतंकवाद का बड़ा सिलसिला चल रहा था, और 13 बच्चे आतंकवाद के झूठे इल्जाम में पकड़े गए थे, जिनमें से एक देवबंद का भी था। मैं जो देवबंद गया उसकी बुनियाद में असल में ये है, मैं उन 13 बच्चों के यहाँ गया, उनके वालदेन से मिला, उसी कड़ी में मैं देवबंद गया, उस बच्चे के घर भी गया, उसके वालदेन को मैंने सर पे हाथ रखा, और मैंने कहा कि मैं लड़ाई लड़ूंगा इसकी, और उसका नतीजा यह हुआ कि 2-3 दिन के बाद वो 13 बच्चे बेगुनाह छोड़ दिए गए। तो मेरा असल मकसद जो था, उन आतंकवाद के झूठे इल्ज़ाम जिन लोगों पे लगा दिए गए थे, उनकी देखभाल के लिए मैं गया था, उनसे बात करने के लिए गया था, उनके वालदेन से बात करने के लिए गया था। यही बात आपने मुफ्तियों को बताया? नहीं, मुफ्तियों को भी मैंने यही बताया, तो और मैं देवबंद भी गया हूँ, तो देवबंद से भी मैंने, हमने हमारे जो मसलक में इख्तिलाफ है, डिफरेंस, अच्छा। वही स्कूल ऑफ थॉट, अकीदा, श्रद्धा, उनकी श्रद्धा कुछ और है, मेरी कुछ और है, तो इस डिफरेंस पर मैंने उनसे कोई बात नहीं की।
मैंने उनसे सबसे पहली बात ये कही थी कि मेरा अकीदा जो है वो मेरा अपना अकीदा है, और आला हजरत ने जिसके बारे में जो हुक्म सादिर कर दिया मैं उसे उस पर मेरा ईमान है। सादिर का मतलब हुक्म जारी कर दिया। अच्छा। जिसके लिए जिसको आला हजरत ने काफिर बता दिया मैं काफिर मानता हूँ दिल से, और जिसे मुसलमान आला हजरत ने बता दिया मैं उसे दिल से मुसलमान मानता हूँ। लेकिन मैं यहाँ जो आज आया हूँ तो वो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हमारे साथ तासुब हो रहा है, नफरतें की जा रही हैं, हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, और हुकूमत हमारे इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर हमारे मतलब डिफरेंसेस मतभेद इनका फ़ायदा उठाकर ये हमारे साथ ज्यादती कर रही, इसलिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए और अपने बच्चों को आतंकवाद के झूठे इल्ज़ाम से बचाने के लिए, दंगा फसाद से अपने देश को बचाने के लिए, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए मुसलमान समझे जाने वाले सब लोगों को एक साथ बैठना चाहिए। ये मकसद लेके मैं वहाँ गया था। इसमें कहीं मैंने कोई शरई जुर्म नहीं किया। शरई जुर्म मतलब धार्मिक, आपके धार्मिक मान्यता के मुताबिक बैठे थे, फिर उनके सामने बात क्या हुई? उन्होंने मेरी बात को तस्लीम किया, मेरे ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। उन्होंने क्या कहा? मैं बाइज़र बरी हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने उनका नुकसान किया। कुछ लोग दुकानें भी चलाते हैं ना दर्द के नाम पे। तो धर्म के दुकानदार जो है वो उस साइड के हों या इस साइड के हों, इन दोनों दुकानदारों को ऐसा लगा कि अगर ये जो मिशन ये लेकर आया है अगर ये कामयाब हो जाता है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस वजह से इधर के भी कुछ लोग मुझसे अभी भी नाराज़ हैं, और उधर के भी कुछ लोग जो मैं मकसद लेके चला था वो बीच में रह गया। और अगर उस वक्त उन लोगों ने मेरी बात को समझ लिया होता और मान लिया होता तो ना बरेली में 9 की 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाती, ना देवबंद जीत पाती। तो हमारे उस मकसद को ना समझ के जो गलतियाँ की हैं उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। अगर उस वक्त मेरी बात को मान लिया गया होता, समझ लिया गया होता, तो आज जो हमारे देश के और प्रदेश के हालात हैं ये हालात न बने होते। तो आकी रजा खान साहब, आपने कहा कि कुछ लोग दुकानें चलाते हैं, कुछ लोग यही इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं कि तौकीर रजा खां दुकान चलाते हैं अपने धर्म की आड़ में, और उस दुकान का नाम है इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल। कभी इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल कांग्रेस के साथ हो जाती है, कभी इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल सपा के साथ हो जाती है, कभी बसपा के साथ हो जाती है। जो तौकीर रजा खान की डिमांड्स को पूरा कर दे उसके साथ ये सपोर्ट कर देते हैं। इनका कोई फिक्स एजेंडा नहीं है, बिल्कुल पेंडुलम की तरह मूव करता है। आपके आलोचक ये इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, एक तो ये कि मैं धार्मिक क़यादत नहीं करता, धार्मिक जलसों में तकरीर नहीं करता, और धर्म का प्रचार प्रसार मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो दूसरे लोगों की जिम्मेदारी। तो मैं धार्मिक काम ना करके मैं सियासी काम करता हूँ, क्योंकि सियासत बेहद ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को सूझबूझ के साथ सियासत करनी चाहिए, इसके इसलिए मैं। दूसरी बात रही सवाल कि कांग्रेस की मैंने हिमायत की, मैंने आपकी भी हिमायत की थी जब पहली बार सरकार बनी थी। वो सवाल भी आ गए। तो कांग्रेस के साथ मेरा अलायंस हुआ था बाकायदा 2009 में। 2009 से पहले मेरा अलायंस हुआ था, और उस वक्त हमारा उनसे ये तय हुआ था कि लोकसभा हम नहीं लड़ेंगे, लोकसभा आपको लड़ाएंगे। विधानसभा में हमें 20 सीटें उन्होंने दी थी बरेली मंडल और आसपास की। तो उस वक्त हमने उनके साथ पूरी मेहनत की। उस वक्त वो अपनी उत्तर प्रदेश में 6 भी नहीं मान रहे थे, 22 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की उस वक्त उन्होंने जीती थी। बरेली अपनी वो नहीं मान रहे थे, बरेली भी मैंने जिता के भेजा था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो राहुल गांधी ने और बाकी दूसरे नेताओं ने मुझसे ये बात कही कि आप 20 के बजाय 25 ले लो, लेकिन सिंबल हमारा रखो। तो मैंने कहा सिंबल आपका रखने का मतलब ये है कि मैं अपनी पार्टी को मर्ज कर दूं, तो मैं मर्जर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैंने 22 सीटें जिताई थी लोकसभा में, और अगर आप मेरे साथ ये गद्दारी और बेईमानी करेंगे तो फिर विधानसभा में आप 25 से ज़्यादा नहीं जीत सकोगे। और फिर वही नतीजा हुआ कि विधानसभा में उनका जो हश्र हुआ वो सबके सामने है, लोगों को पता है।
आपका ये दावा है कि समाजवादी के, अब मैं जरा थोड़ा इस पे, चूंकि एक फैक्ट आया है, आप ये कह रहे हैं कि आईएमसी इत्यादि मिल्लत काउंसिल के सपोर्ट की वजह से 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 22 सीटें जीत पाई जी। और 2012 में आपने सपोर्ट नहीं किया विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस 30 के ऊपर नहीं जा पाई जी। है ना, पर आप खुद भी तो एक ही सीट जीत पाए उस 2012 के विधानसभा चुनाव में। नहीं, मैंने तो छोटा एक पौधा लगाया था, वो पनप रहा था, और कांग्रेस के साथ अलायंस होने के बाद मेरे अक्सर जो लोग थे, जो मेरे कैंडिडेट्स वगैरह थे, उन लोगों का ये मन बन चुका था कि हमें कांग्रेस और आईएमसी के अलायंस में लड़ना है। उसके बाद जब मेरा इनसे अलायंस टूट गया तो उससे मुझे बहुत नुकसान हुआ। तो उसकी वजह से मैं सिर्फ एक जीत सका। आपने राहुल गांधी से कहा नहीं कि 2009 में जब गठबंधन हुआ था तब तो सिंबल की बात नहीं थी, आप सिंबल की बात क्यों? एन वक्त पे मुझे धोखा दिया ना, उसकी वजह से मेरी पार्टी को काफी नुकसान हुआ, और मैं कई जीत सकता था, मैं सिर्फ एक जीत पाया था। तो कांग्रेस आज जिस संघर्ष में है वो अपनी उन्हीं बेईमानियों की वजह से, जो उन्होंने सबके साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं किया, उन्होंने पूरे मेरे समाज के साथ उन्होंने जो गद्दारियां की हैं, मैंने उस वक्त अपनी आंखों से देखा है कि हमारी सरकार का गृह मंत्रालय, बाकायदा गृह मंत्रालय और आरएसएस का नाजायज ताल्लुक बना हुआ था, और उसी नाजायज ताल्लुक की वजह से देश में आतंकवाद ने जन्म लिया था। चला इसको समझाएंगे, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, जो सबके सामने है। मैं आज भी आपसे ये सवाल करता हूँ कि 2014 से पहले जो हिंदुस्तान जिन तकलीफों से गुजरा है, जिस आतंकवाद से गुजरा है, रोजाना बम ब्लास्ट होता था, पेड़ों तक पे बम लटके हुए मिले हैं भाई हमें, कचहरी पे हो रहा है, ट्रेनों में हो रहा है, जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे हो रहा है, जगह जगह जो आतंकवाद हुआ करता था, जो बम रोजाना पड़ता था, वो बम 14 के बाद से कहाँ गायब हो गया? मैं तो देश से सवाल करता हूँ, ये वो बम 14 के बाद से कहाँ गायब हो गया जो 14 से पहले रोजाना पड़ता था? सरकार का ये कहना है कि हमने सख्ती कर दी, इसलिए अब आतंकवाद की घटनाएं नहीं होती हैं। आतंकवाद, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान आतंकवादी न था कभी और न कभी होगा। मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, देश के संविधान से प्यार करता है, मुसलमान अपने देश में बम मारने का काम नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत आतंकवाद मैं वहां तक मान सकता हूँ, कश्मीर तक के आतंकवाद की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, और कश्मीर की उन तमाम एक्टिविटीज की बाकी हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने कभी हिमायत नहीं की। कश्मीर के अलावा अगर कहीं कोई बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें मुसलमान है, मुसलमान का नाम आया है, तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मुसलमान अपने मुल्क में बम मार ही नहीं सकता। ये जो पूरा सिनी का नेटवर्क पकड़ा गया, इंडियन सारा का सारा बोहतान है, इंडियन मुजाहिद नाम की हिंदुस्तान में कोई तंजीम नहीं, इंडियन मुजाहिदीन, मैं बता रहा हूँ ना कि आरएसएस और गृह मंत्रालय के पीछेदंबरम मिले हुए थे, आरएसएस और गृह मंत्रालय के नाजायज ताल्लुक का नतीजा थी, बिल्कुल कतई तौर पे पीछेदंबरम के नेता आरएसएस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कांग्रेस, आधी से ज्यादा कांग्रेस आरएसएस के एजेंडे को पर चल रही थी। मैंने अपनी आंखों से तमाम चीजें देखी। बताइए ना थोड़ा, इनसे पहले चिदंबरम से पहले कौन साहब थे? वो सुशील कुमार शिंदे रहे हैं, शिवराज पाटिल L18 पूरा शिवराज पाटिल के पेट में है। L18 मतलब ऐसे बोहतान। मैं आज भी कहता हूँ बीजेपी को मैं बुरा इसलिए नहीं मानता कि ये खुल के सामने हमारे लड़ते हैं। कांग्रेस को मैं इसलिए बुरा मानता हूं कि बीजेपी ने हमें आतंकवादी बताया, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि ये आतंकवादी हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमें आतंकवादी कह के पकड़ा, हमें जेलों में डाला, हमारे माथे पर आतंकवादी होने का टैग लगाया है कांग्रेस ने। ये हमारे माथे पर जो कलंक लगाया है वो बीजेपी से ज्यादा उसके लिए अगर कोई मुजरिम है तो वो कांग्रेस है। तो ये सब क्या 2012 के बाद हुआ? क्योंकि 2009 से 2012 तक तो आप कांग्रेस के बगलगीर थे, चुनाव लड़ रहे थे, लड़वा रहे थे। 12 में उन्होंने सिंबल की बात कही तो एकदम से बुराई दिखने लगी आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। आतंकवाद के लिए हम
उस वक्त भी लड़ रहे थे और लड़ते रहे। सरकार तो उन्हीं की थी, आपने मांगे नहीं रखी। नहीं, हम सरकार से जो मांगे रखी थी, जो मांगे रखी थी उन तमाम पर उन्होंने अमल नहीं किया। मुझसे ये वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हमारा सबसे पहला फैसला होगा एलेटिन की न्यायिक जांच। मुझसे वादा किया था। दिग्विजय सिंह आज भी गवाह हैं इस बात के, अगर कभी मुलाकात हुआ पूछिए। मुझसे वादा किया गया था एलेटिन की जांच सबसे पहला हमारा काम होगा। एलेटिन क्या है, बार बार जिक्र हो रहा है। जो दिल्ली में जो बच्चों को आतंकवादी कह के मार डाला गया, ब्लास्ट जो हुआ था वो, नहीं, या बटला हाउस एनकाउंटर। बटला हाउस एनकाउंटर। अच्छा, बटला हाउस। तो आपकी नजर में वो आतंकवादी नहीं थे, बताइए। कोर्ट ने तो माना नहीं, कोर्ट तो कुछ भी मान लेता है। साबित हम अगर अपना बेगुनाही साबित न कर पाए तो मुजरिम है। सच्चाई ये है कि हमें मुजरिम बनाया गया है, बताया गया है। असल में हम मुजरिम कभी न थे, न इंशाल्लाह कभी होंगे। हम अपने बच्चों को मुजरिम नहीं बनने देना चाहते। आप देवबंद गए, कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह माना, रिहा किया। हाँ? तो जब कोर्ट बेगुनाह मान के रिहा करे तब सही है? और नहीं, कोर्ट ने नहीं। हाँ, कोर्ट तक जाने से पहले इन लोगों, इस देश में कई लोग पकड़ने वालों ने उन्हें बेगुनाह माना। जब दबाव बना है उनके ऊपर, जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ, आरएसएस को भी ये महसूस हुआ कि बरेली और देवबंद अगर एक साथ बैठ जाएंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं, तब उन्होंने उन्हें छोड़ा है। कई लोगों के साथ जस्टिस डिलेड हुआ, कई लोग बरसों जेल में रहे और उसके बाद उन्हें रिहा किया गया। तब ये सवाल भी उठा कि अब आपने इतने बरस बाद कोर्ट ने इन्हें एक्विट किया है, पर इनके ये बरस कहाँ से लौट के आएंगे, और कई मामलों में सजा भी मिली है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब कोर्ट रिहा कर रहा है तब तो आप कह रहे हो कि देखो साहब जस्टिस मिला, और जब कोर्ट उन्हें दोषी मान रहा है तो आप कह रहे हो कि नहीं, जस्टिस मिला। मैं बता रहा हूँ ना, दो लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, एक अपनी सफाई पेश करने में कामयाब हो जाता है, एक अपनी सफाई और गवाह पेश करने में नाकाम रहा, उसको सज़ा हो गई। वो अपने आप को साबित नहीं कर सका, बेगुनाह होने के बावजूद साबित नहीं कर सका तो वो मुजरिम करार दे दिया गया। जस्टिस सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है ना, एजेंसी और एविडेंस। नहीं, नहीं, तो मैं आज भी पूरे दावे से कह रहा हूँ, आज तक जितने बम ब्लास्ट हुए हैं हमारे खिलाफ साजिश रच के, वो तमाम बम ब्लास्ट किए गए हैं, हमें आतंकवादी करार दिया गया है। हम कभी आतंकवादी न थे न कभी होंगे। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा और, जरा सा और। हाँ जी, आतंकवाद की बात हो गई, दंगों की बात कर लीजिए। दंगे कहाँ गायब हो गए? यूपी का भी उनका आया है कि उनकी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आप बताइए। अखिलेश सरकार में 100 से ज्यादा दंगे हो गए थे। आप बड़े खफा भी थे उन दंगों से, आपने इस्तीफा भी दिया, आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, हैंडलूम काउंसिल के वाइस चेयरमैन। जब दंगे चल रहे थे, 100 से ज्यादा हो चुके थे जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया है, और उस तफसील में मैं नहीं जानना चाहता कि उन्होंने मुझे, एक तो मैंने उन्हें ज्वाइन नहीं किया था, मैं अपनी पार्टी में था, मैंने समाजवादी कभी ज्वाइन नहीं किया। तफसील में तो जाना पड़ेगा ना, ये पूरे समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की थी। उन्होंने मुझे स्टेटस दिया था, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, तो मैंने सिर्फ इसलिए कबूल कर लिया था कि ये जो रोज दंगे होते हैं, और मैं हर जगह जा रहा था और रास्ते में मुझे रोका जाता था, गिरफ्तार किया जाता था और फिर छोड़ा जाता था। तो जहां जहां दंगे हो रहे थे तो मेरे लोग तकलीफ में हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जाऊं वहां। तो हर जगह पुलिस से बचना और पकड़े जाना ये सब होता था। तो मैंने, लोग ये भी कहते हैं कि आप पहले से अनाउंस कर देते थे, आपके समर्थक जुट जाते थे, एक बढ़िया मजमा लग जाता था, एक फोटो ऑप बन जाता था, और फिर तौकीर रजा खान जाके गिरफ्तारी देते थे तो एक बढ़िया प्रेस रिलीज बन जाती थी। कितनी बार, और उनका मकसद ये नहीं होता। कितनी बार तो हम इस तरह गए हैं कि हमने कहा है कि हम बरेली से जाएंगे और हम दिल्ली से आ गए। अच्छा, आपने चकमा देने की कोशिश की? ये सब भी हमने, भाई हम अपने लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, अपने लोग तकलीफ में है उनके सर पे हाथ रखना चाहते हैं, उनकी परेशानी समझना दूर करना चाहते हैं। तो अब ये सब तो सियासत में चलता है कि इस किस्म के इल्ज़ाम का मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। तो मैं ये कह रहा था कि समाज तकरीबन 100 दंगे हो चुके थे उस वक्त तक। किस वक्त तक? 2000 जब मैंने इनके साथ बैठा हूँ समाजवादी की सरकार में। 12-13 13 की बात है जी, 13 ही की बात है, 13 की ही बात। तब ये सोच के गया था मैं कि इनको जमीनी हकीकत बताता रहूंगा। काम के जरिए मुलाकात हुई थी?
नहीं बराह रास्त हुई थी, मैं मतलब सीधे आप अखिलेश के पास पहुंचे? ना, मैं कहीं नहीं गया था। कौन आया था? पहले मेरे पास वो लेटर आया था कि आपको नियुक्त कर दिया गया। ऐसे नहीं आता खान साहब, इतनी पॉलिटिक्स तो हम भी समझते हैं थोड़ी बहुत। पहले फोन, फिर कुछ मुलाकातें, फिर उसके बाद चिट्ठी आई होगी। अब सुन ले मेरी बात जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे जो विधायक थे हमारे, उनका कुछ मामला, शजील इस्लाम अंसारी भोजीपुरा से, वो उनको तोड़ लिया गया था। सपा ने ही तोड़ लिया? हाँ हाँ। तो उसी सिलसिले में फिर ये बातचीत हुई। और किससे हुई, यही तो जानना चाह रहे हैं। मुलायम सिंह से सीधे? नेताजी से हमारे पुराने ताल्लुकात, काफी पुराने ताल्लुकात नेताजी से रहे हैं। और पहले भी हमने उनकी मदद की, जब हमने पार्टी नहीं बनाई थी तब भी हमने उनकी मदद की थी। तो उनसे हमेशा ताल्लुकात रहे। जब रक्षा मंत्री थे हमारे, तब से उनसे ताल्लुकात थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार 1996, तब से हमारे उनके ताल्लुकात। अच्छा। तो फिर मुजफ्फरनगर जब हुआ, तब मैंने इनको छोड़ा था। और ये कह के छोड़ा था कि भाई मुजफ्फरनगर में बच्चे मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, दूध के लिए तरस रहे हैं, ठंड में अकड़ के मर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब आप सैफई महोत्सव कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं मालूम हो रहा है। तो इन्होंने कहा, अखिलेश जी ने मुझसे कहा कि वो तो हमारा सालाना प्रोग्राम होता है, हर साल करते हैं। मैंने कहा भाई मुझे याद है कि एक बार आपके सैफई महोत्सव के कार्ड भी बट गए थे, सारी तैयारियाँ भी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन उसी दौरान जनेश्वर मिश्रा जी का देहांत हो गया, तो आपने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया था। तो अब आपका अपना मर गया, अपना साथी मर गया, तो आपको दुख हुआ, आपने सैफई महोत्सव जो सालाना होता है वो आपने कैंसिल कर दिया। लेकिन यहाँ ये जो मर रहे हैं, ये आपके अपने नहीं हैं, तो इनकी तकलीफ को आप अगर महसूस नहीं कर रहे हो तो फिर मैं आपके साथ नहीं हूँ। तो ये कह के मैं छोड़ के आया था। तो मैं जहाँ भी गया हूँ, जिसकी भी मैंने हिमायत की है, ये सोच के की है कि शायद कुछ देश का भला हो जाए, कुछ हमारे प्रदेश का भला हो जाए, कुछ हम अच्छा करने में कामयाब हो जाएं। और अपने लोगों का भला करना, अपने प्रदेश के बारे में सोचना, अपने देश के बारे में सोचना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना चाहिए। और ये हम करते रहे हैं। ठीक है। तो समाजवादी का साथ दिया, या कांग्रेस का साथ दिया, या बहुजन समाज का, या आपका साथ दिया? हाँ, नहीं, मैं थोड़ा अभी सवाल में होता क्या है, आप ना देखो, आप तो हो मंझे हुए नेता। अरे क्या बात। और आपकी मेमोरी है शार्प, और आपके पास बहुत सारे लोगों की इनसाइडर बातें भी हैं। मैं हूँ राजनीति का एक उत्सुक विद्यार्थी, तो मेरे पास खान साहब सवाल बड़े हैं। चलिए बताइए। जैसे आपने कहा कि दंगे बहुत हुए, भाजपा शासन काल में नहीं हुए, ऐसा क्या हो जाता है? और आपने अभी अखिलेश जी से मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा, बताइए। फिर 3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई है। कहाँ पे? उस लखनऊ में। हाँ, उस वक्त भी मैंने उनसे यही बात कही कि अब आप ये बताइए कि आज जो सरकार में बैठे हुए हैं, मुझे लगता यह है कि शायद यही दंगाई थे, इसलिए आपकी सरकार में दंगे हो रहे थे। और इन्होंने मुझसे बार बार यही कहा कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए आरएसएस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले ये दंगे करते हैं। और सरकार का काम क्या है? तो अब मैंने कहा कि अब जब ये सरकार से उतर जाएंगे, अभी एक भी दंगा नहीं हो रहा है, मुसलमान चैन से बैठा हुआ है। अब जब ये उतर जाएंगे, सलमान तो चैन से बैठा है, लोग आपकी ये क्लिप चलाएंगे भाजपा वाले की, बिल्कुल बिल्कुल रजा खान कह रहे हैं कि भाजपा के शासन काल में सलमान चैन से बैठा है। मैंने अखिलेश जी से ये भी पूछा कि अगर आपकी सरकार होती और आप कांवड़ यात्रा पे पाबंदी लगाते तो क्या लोग मान जाते? बोले नहीं मानते, क्योंकि कांवड़ यात्रा चलवाने वाले भी यही है, रुकवाने वाले भी यही है। मैंने कहा इन्होंने कांवड़ यात्रा पे पाबंदी लगाई, और कांवड़ यात्रा आस्था का मामला है। मैंने तो हिमायत की थी कि नहीं, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, चाहे सांकेतिक निकले लेकिन कांवड़ यात्रा निकलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांवड़ यात्रा पे पाबंदी लगाई। उसी दौरान हमारी बकरीद थी, है, कुर्बानियां सब जगह हुई और बहुत कायदे से हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। नमाजें सब जगह बहुत कायदे से हुई, ईद की नमाज कायदे से हुई, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। मैं अखिलेश जी से ये सवाल करता हूँ कि कल अगर आपकी सरकार आ जाएगी, हम लोग सब तमाम जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं, सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, हिंदू मुसलमान मिलके आपकी सरकार बता दे, तो आपके पास
रूट मैप क्या है, कल सरकार आप कैसे चलाओगे, कल आप दंगों को कंट्रोल कैसे करोगे। तो मुझे लगा कि उनके पास तो कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, नहीं है कोई प्रोग्राम, मुझे उन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा, वो जवाब मैं, मैंने कहा कि दंगा आयोग बनाया जाना चाहिए। पिछली सरकार में भी मैंने उनसे यही शर्त रखी थी कि दंगे दंगा विरोधी आयोग ऐसा एक आयोग बनाया जाए कि पुलिस ने दंगा हुआ कहीं, पुलिस ने जिसे चाहा क्लीन चिट दे दिया, जिसे चाहा मुजरिम करार दे दिया, ये ठीक नहीं है। ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, ऐसा आयोग बनना चाहिए जो पुलिस का जवाब तलब कर सके, पुराने मामले भी देखे, प्रशासन का जवाब तलब कर और सके, पुराने मामले भी देखे जो हैं दंगे के। अब जो दंगा जो पहले के मामले हैं उनमें भी तो जांच, पुराने के छोड़ दीजिए, अभी अभी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पिछली सरकार से भी मैंने ये मांग की थी, उन्होंने मुझसे वादा किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पेंडिंग कर दिया। ये पुराने मामलों के लिए तौकीर रजा खान इसलिए तो मना नहीं कर रहे हैं क्योंकि खुद उनके ऊपर दंगा भड़काने का मुकदमा चल रहा है। उस ना मेरे पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा, मैंने चेक किया है, ना मेरे पर कोई मुकदमा नहीं। आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि तौकीर रजा खान के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चल रहा, दंगे का कोई मुकदमा मेरे ऊपर, दो संप्रदायों के बीच विद्वेष भड़काने का मामला आपके ऊपर दर्ज है, उसमें क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, मेरी मैंने इंटरव्यू से पहले चेक किया है पुलिस के साथ, कोई मुकदमा मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं नहीं, आप दोबारा चेक, मेरी जानकारी में ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। इंटरव्यू के पहले पुलिस से चेक किया, 2010 में जब मुझे गिरफ्तार किया गया था दंगा भड़काने के इल्जाम में, उसके बाद जांच वगैरह हुई और जो कुछ भी हुआ पुलिस ने उस केस को वापस लिया, 169 में उन्होंने अपने उस इल्जाम को वापस लिया, बाइज्जत मुझे बरी किया था। जब उन्होंने आपको बरी किया था तब केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट मांगी थी मायावती जी की सरकार से कि अगर बरी किया तो गिरफ्तार किस इल्जाम में किया था, या तो बरी गलत है, मैं गिरफ्तारी गलत है। मैं केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि 2010 में मुझे बरी कर दिया, मुझे मान लिया गया कि मैंने दंगा नहीं भड़काया, मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन दंगा तो हुआ, किसी ने तो कराया, किसने कराया उसकी जांच होनी चाहिए। और आज भी अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो वो असल मुजरिम जो आज सरकारों में बैठे हुए हैं वो असल मुजरिम सामने आ जाएंगे। अच्छा। लेकिन मुश्किल ये है कि ईमानदार कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इतनी ईमानदारी से जांच कर ले जो मुझे मुसलमान ना समझे और उन्हें हिंदू ना समझे। अच्छा, एक बात बताइए, कई लोगों ने हमें यह भी बताया कि तौकीर रजा खान के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, इसीलिए उनका पासपोर्ट भी नहीं बना है। आपका पासपोर्ट है? नहीं, पासपोर्ट है हाँ, और पासपोर्ट मेरा रिन्यू नहीं हुआ है। कब से? और रिन्यू पिछले 10-12 साल से। हाँ, 8-10 साल हुए शायद। इन्हीं मुकदमों की वजह से? मुकदमे तो वजह है। तो फिर आप कह रहे हैं कोई नहीं, दंगे का कोई मुकदमा नहीं है। राजनीतिक मुकदमे जो हुआ करते हैं आमतौर से वो सारे मुकदमे हैं। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, न सरकारी कार्य में बाधा भड़काने वाला है, ना दंगे वाला है, फिर क्या है इसके अलावा? और छोटे छोटे शांति भंग की आशंका। अब मुझे नहीं पता कौन कौन से, मेरे पास समन भी नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात ये हो क्या रहा है कि बातचीत खान साहब आगे से आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा इसको 2001 पे खींच के लाते हैं। अच्छा चलिए, मुलायम सिंह यादव के पुराने मित्र तौकीर रजा खान 2001 में तय करते हैं कि अपनी पार्टी बनाएंगे। एक में ही बनाई थी? क्या जरूरत पड़ी बनाने की पार्टी? क्या थे हालात, क्या थी सोच? नहीं, पहले हमने पार्टी नहीं बनाई थी, पहले हमने इसे सामाजिक संगठन बनाया था। कब, किस साल में? इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल 2001 में। अच्छा, और हुकूमत के तासुब और हुकूमत की गलत पॉलिसी से हम हमेशा उनका विरोध करते रहे, चाहे समाजवादी की सरकार रही हो या कांग्रेस की रही हो, हमने हमेशा विरोध किया है। जो गलत काम हुए हैं, जो ज्यादतियाँ हुई हैं, जुल्म के खिलाफ हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। फिर जब हमने ये देखा कि ये तमाम लोग आवाज़ उठाने के बावजूद न सुनने को तैयार हैं, न मानने को तैयार हैं, तब हमने ये इरादा किया और शायद 5 में हमने इसे चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कराया। मिल्लते काउंसिल, इत्तेहादे मिल्लत, इत्तेहादे मिल्लत। जरा अर्थ बताएंगे गैर उर्दू भाषी दर्शकों को, इत्तेहादे मिल्लत का मतलब क्या होता है? मैं इसका हिंदी अनुवाद जो है, लोगों को अक्सर गलतफहमी होती है कि ये कोई मुस्लिम तंजीम है। जिस तरह हिंदी हमारे देश की भाषा है,
उसी तरह उर्दू भी हमारे देश की भाषा है। लेकिन कुछ लोगों ने उर्दू को मुसलमान और हिंदी को हिंदू कर दिया है। मैं हिंदी हिंदू से अच्छी बोल सकता हूँ, उर्दू हिंदुओं को बोलनी चाहिए, हमारे देश की भाषा है, उससे नफरत और तासुब नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपनी पार्टी का नाम उर्दू में रखा है, लेकिन उसका अगर हिंदी में अनुवाद करें आप तो इत्तेहाद का मतलब होता है एकता। एकता तो मेरी पार्टी का हिंदी अनुवाद है सामाजिक एकता परिषद। मिल्लत मतलब समाज, मिल्लत समाज, सामाजिक एकता परिषद मेरा हिंदी अनुवाद है। सामाजिक एकता परिषद, इत्तेहाद मिल्लत का। तो मैं सामाजिक एकता का आदमी, 2001 से मेरी ये सामाजिक एकता की मौजूद है और मैं सामाजिक मोर्चा बनाते हो सामाजिक एकता और इल्जाम लगता है आप पे दंगे का 2010-2012। उसकी एक वजह बता दूं। क्या वजह? मैं एक वजह बता दूं, जब तक मैं इत्तेहाद मिल्लत को मुसलमानों की तंजीम बना के चलता रहा, मुझे समर्थन भी मिलता रहा और कहीं से मेरा कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं मुसलमान को और दूसरी पार्टियों से अलग करने का काम कर रहा हूँ, इससे कुछ फिरका परस्त ताकतों को फायदा पहुँच सकता है। तो मेरा विरोध नहीं हो रहा था, लेकिन जब मेरी पार्टी बढ़ना शुरू हुई और भारी तादाद में मेरे साथ हिंदू समाज के लोग जुड़ना शुरू हुए, पदाधिकारी बनना शुरू हुए, और तब ये प्लान करके मुझसे मेरे हिंदू भाइयों को अलग करने के लिए, ये प्लान करके मेरे खिलाफ साजिश रच के वो दंगा करवाया गया, और उसके बाद मेरे वो तमाम साथी जो इत्तेहाद मिल्लत के पदाधिकारी थे, झंडा लेकर चल रहे थे, वो लोग मुझे छोड़ के चले गए। तो मेरी पार्टी के खिलाफ और मेरी मकबूलियत के खिलाफ मेरे जो जनाधार बढ़ रहा था उसको ख़त्म करने के लिए और हिंदू को मुझसे अलग करने के लिए और हिंदू मुसलमान में दूरी पैदा करने के लिए ये सोची समझी साजिश और बरेली में दंगा रचा गया था। एक बात बताइए खान साहब, 2001 में मोर्चा बना, 2005 में पार्टी बन गई, 2009 में आपने सपोर्ट किया, उसके पहले यहाँ आप नगर पालिका नगर निगम का भी चुनाव लड़े, उसमें भी 10 सीटें जीते थे मेरे ख्याल से, हैं ठीक बता रहा हूँ डॉक्टर साहब? 10 सीटें जीते, 12 में एक विधायक भी हो गए, हालांकि वो विधायक बसपा से टूट के आए थे और सपा में चले गए, ठहरे नहीं आपके पास, है? इस्लाम साबिर साहब के बेटे थे जी। कांग्रेस को सपोर्ट किया, आपने सपा की बात बता दी कि साहब दंगा काउंसिल ये सब चीजें, बसपा राज में आप पे मुकदमे लगे, गिरफ्तारी हुई, फिर आप बसपा के साथ भी चले गए, तब क्या बात हुई थी? देखिए ऐसा है, बहुजन समाज मुझे कांग्रेस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया, मुझे समाजवादी ने गिरफ्तार, बल्कि समाजवादी ने तो मुझे तोहफा भी दिया। लेकिन गलत को गलत कहना हमारी जिम्मेदारी है, सही को सही कहना हमारी जिम्मेदारी है। बहुजन समाज से हमारे कितने ही मतभेद हों, लेकिन उनका एक काम मुझे बहुत पसंद आया था उनकी सरकार में जो हुआ था, लॉटरी उस वक्त उत्तर प्रदेश में घर घर में चल रही थी, घर घर में, और दिन में 10-10, 12-12 ड्रॉ होते थे, 10-10, 12-12 बार खुलती थी, पूरा प्रदेश तबाह होता चला जा रहा था। ऐसे में मायावती जी ने एक बड़ा स्टेप, जबकि राजस्व का बहुत बड़ा फायदा सरकार को होता था इस लॉटरी की वजह से, लेकिन बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश तबाह हो जाएगा, तो उस लॉटरी पे पाबंदी लगाई। तो ये बात मुझे इसलिए पसंद आई, अगरचे मेरे उनसे मतभेद, उनकी सरकार में मेरी गिरफ्तारी हुई, इसके बावजूद फिर मैंने उनके इस काम से खुश हो, और मैं आज भी कहता हूँ अगर बहुजन समाज अपना थोड़ा सा तरीका दुरुस्त कर ले, क्या तरीका बताइए जरा, तो आज भी उनका साथ दिया जा सकता है। क्या तरीका दुरुस्त? हम आज भी किसी से बंधे हुए नहीं है, तरीका बताइए पहले खान साहब, क्या दुरुस्त करना है उनको आपके हिसाब से? उनका जो तरीका है, देखिए समाजवादी जब आती है तो जाटववाद होता है चारों तरफ, समाजवादी की बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाजवादी बहुजन आती है, समाज जब आती है, थोड़ा गड़बड़ हो गया शब्द, समाजवादी आती है तब क्या होता है? अब सुन ले मेरी बात, समाजवादी आती है तो यादववाद होता है, अच्छा, और जब बहुजन समाज आता है तो जाटववाद हो जाता है। हम इससे क्षुब्ध है, हम इन चीजों को नापसंद करते हैं। अखिलेश जी से भी मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये यादववाद जो है ये ठीक नहीं है, आप सबके मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबको साथ लेके चलना आपकी जिम्मेदारी है। तो इनका जो तरीका है,
ये अगर दुरुस्त कर लेते हैं और सबके साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं तो हम आज भी इस वक्त भी हम राह तलाश कर रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार बनवानी है। मैं तो सरकार बनाने नहीं जा रहा हूँ, कुछ सीटें मैं ला सकता हूँ, सरकार नहीं बना सकता, लेकिन मैं अपने प्रदेश से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसी सरकार हमारे प्रदेश में बननी चाहिए जो सबके को साथ लेके चल सके और दंगे और फसाद से हमें बचा सके। दंगा आयोग बनाया जाना चाहिए, लॉटरी पे पाबंदी लग चुकी है, शराब पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए। नशा हमारे यहाँ हराम है और हर समाज में, मैं समझता हूँ हर धर्म में नापसंद किया जाता है। शराब को हमारे यहाँ कहा गया है कि ये उम्मुल खबाइस, क्या तमाम बुराइयों की जननी, उम्मुल खबाइस बेईमानियों की, खबासतों की, खराबियों की ये माँ है। तो हमारे यहाँ इसे उम्मुल खबाइस करार दिया गया और मैं समझता हूँ कि किसी भी धर्म में नशे को जायज करार नहीं दिया गया है। हर जगह बुरा समझा जाता है। तो आज शराब इतनी आम हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों तक आसानी से पहुंच रही है। ये हम अपने प्रदेशवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे। शराब के खिलाफ अगर नहीं, या सारे नशों के खिलाफ है? मैं हर नशे के खिलाफ, तम्बाकू पे भी पाबंदी होनी चाहिए, हर नशे के खिलाफ हूँ मैं, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, लेकिन ये शराब जो, और अभी पिछले दिनों आपने देखा कि मंदिर मस्जिद बंद है लेकिन शराब की दुकानें खोली गई, इससे बड़ा क्या अपराध हो सकता है? और उन्होंने खोली जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिनको धार्मिक प्रचार प्रसार जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें लोगों को बुराई से रोकना चाहिए, वो शराब का प्रचार करते हैं, शराब की दुकानें खोलते हैं और शराब लोगों के लिए आसान बनाते हैं। तो आपको नीतीश कुमार बहुत पसंद होंगे शराबबंदी? मुझे बिल्कुल पसंद। आपको पता है बिहार में हम लोग, मुझे गुजरात में शराबबंदी मुझे इसलिए पसंद, गुजरात जब शराब बेचे बगैर गुजरात की प्रदेश सरकार चल सकती है, नीतीश कुमार अगर बिहार को शराब बेचे बगैर चला सकते हैं तो उत्तर प्रदेश को शराब के राजस्व के बगैर भी चलाया जा सकता है और चलाया जाना चाहिए। पर जब हम लोग खान साहब बिहार चुनाव में घूम रहे थे तब कई लोगों ने, जैसे इस कैमरे पे आपकी बातचीत रिकॉर्ड हो रही ना, कई लोगों ने ऑन कैमरा बोला कि देखिए शराबबंदी जुमला है और ये पूरी तरह फेल है और हमें कई लोग शराब में धुत मिले जो ऑन कैमरा आके बातें कर रहे थे। तो शराबबंदी इफेक्टिवली तो कहीं पे भी बंद नहीं हो पाई है गुजरात में, चूंकि वो बापू की जमीन है, एक परंपरा सी चली आ रही है। तो नहीं, बापू की जमीन गुजरात नहीं, बापू की जमीन तो पूरा देश है भाई। नहीं, वहां पे शराबबंदी का जो लॉजिक पूरा, था पूरा देश भाई, बापू का देश है तो गुजरात में अगर बंद हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं बंद हो सकती? पूरे देश में बंद होनी चाहिए। और खास तौर से मैं इस वक्त कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार आने वाली है मैं उसके सामने ये बात जरूर रखूंगा, किसी की भी सरकार आए आप कहोगे शराबबंदी हो जाए, मैं जिसके समर्थन करने जाऊंगा या जिससे मेरा अलायंस होगा उससे पहली मेरी शर्त ये होगी कि आप जब सरकार में आए तो आपको शराबबंदी करनी चाहिए। अगर जैसे योगी आदित्यनाथ शराबबंदी कर दें तो आप उनका सपोर्ट कर देंगे? मेरी नजर में, अगर ईमानदारी से आप पूछें, ईमानदार बात हो रही है, मेरी नजर में योगी आदित्यनाथ हो या मायावती हो या अखिलेश यादव हो, मेरी नजर में बराबर हैं। अच्छा, मेरी नजर में बराबर हैं। अगर प्रदेश हित का काम योगी आदित्यनाथ करते हैं तो पहला आदमी मैं होऊंगा जो योगी आदित्यनाथ की हिमायत में खड़ा हो जाऊंगा। मैं परहेज नहीं करता। आप तासुब छोड़िए, नफरत छोड़िए, सबका साथ। पहला वर्ड कौन सा था? तासुब, भेदभाव। अच्छा, तासुब छोड़िए, नफरत छोड़िए, अपने तरीकों को दुरुस्त कीजिए, सबका साथ, सबका विकास कीजिए, सबको साथ लेकर चलने की बात कीजिए, अमन शांति की बात कीजिए, बुराइयों के खिलाफ लड़ने की बात कीजिए। मैं आपका साथ आज से देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप नफरत करते रहो मेरे समाज के साथ और फिर मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं, ये नहीं हो सकता। एक बात बताइए खान साहब, हम लोगों ने तमाम नेताओं की बात कर ली, मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, ये कई लोगों ने कहा है कि आजकल इनकी अरविंद केजरीवाल से बहुत बन रही है, क्या है अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या? नहीं, अरविंद केजरीवाल से हमारी पहला जो चुनाव उन्होंने लड़ा है, हाँ, उससे पहले की हमारी दोस्ती है, हाँ,
और सिर्फ ताल्लुकात की हद तक है। मैं दिल्ली में राजनीति नहीं करता हूँ, दिल्ली में मैं अपनी पार्टी नहीं चलाता हूँ, उत्तर प्रदेश में मेरी पार्टी है, उनकी भी पार्टी आ गई है, यहीं पे थोड़ा बहुत काम करता हूँ। तो अब उनकी पार्टी भी यूपी में आ रही है और बहुत सी पार्टियां उनकी पार्टी की चादरें भी आ रही हैं दरगाह पे, आपसे मुलाकात भी हो रही है। चादर तो देखिए ऐसा है, अटल जी की जब सरकार थी तो अटल जी ने भी चादर भेजी थी उर्स के मौके पर, और संतोष गंगवार ही लेके आए थे, हेलीकॉप्टर से आई थी चादर। तो ये हर पार्टी की चादर आती है, चादर आने का इसका ये मतलब नहीं। और दरगाह के मामला से मैं थोड़ा अलहदा रहता हूँ। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी से किसी गठजोड़ की संभावना? आम आदमी पार्टी से हमारे अरविंद केजरीवाल से ताल्लुकात थे, हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि उनसे किसी किस्म के गठजोड़ की कोई संभावना नहीं। फिर किससे करेंगे गठजोड़? अब ये तो अभी समय के गर्भ में है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया संतोष गंगवार का, कई लोग हमसे कह रहे थे कि तौकीर रजा खां की संतोष गंगवार से बहुत पटती है और दोनों लोग एक दूसरे के राजनीतिक हितों को साधते हैं। लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं खां साहब? ये तो बोहतान है, हैं? ये इल्जाम है, इल्जाम है। संतोष जी दोस्ती है? संतोष जी को मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, और मेरे उनके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और मैं छुप के किसी से नहीं मिलता। हाँ। के सामने बुराई करूं और छुप के मैं हाथ मिला के बैठ जाऊं। हाँ। एक बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कह चुका हूं और अखबार में भी ये बात छपी थी और मैं आज भी ये बात कहता हूं कि संतोष गंगवार बजाते खुद बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूं, लेकिन मेरा उनका साथ इसलिए नहीं हो पाता है कि उनकी पार्टी को मैं नापसंद करता हूं। वो खुद बजाते खुद अच्छे आदमी है लेकिन उनकी पार्टी अच्छी नहीं है। अच्छा जी, एक बात बताइए भाई साहब, संतोष गंगवार पे भी बात हो गई। अभी हम चेक कर रहे थे इंटरव्यू से पहले तमाम नेताओं पे आपके बयान। एक और नेता हैं आजकल यूपी बहुत आ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे लोग, वो भी ये बातें अपनी तकरीर में बहुत कहते हैं, हमारे लोग। आपकी तमाम लोगों से मुलाकात हुई, उनसे भी मुलाकात हुई क्या? मेरी हमारे लोग से मुराद मेरे प्रदेश के तमाम हिंदू मुसलमान, वो भी यही कहते हैं। हिंदू मुसलमान की, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता हूं। वो भी यही कहते हैं कि मैं सबकी बात करता हूं। आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? हैदराबाद से सीधी फ्लाइट आती है। अच्छा। हाँ नहीं, अब वो एक पार्टी है, आए हैं। अरे आप भी पार्टी हो, जद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात हुई कभी आपकी? और जब पार्टी है तो जब चुनाव होगा तो उन्हें चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। कभी मुलाकात हुई आपकी असदुद्दीन ओवैसी से? मुलाकात कई बार हुई है। अच्छा, फिर बात क्या हुई? लेकिन हमारा और उनका मतभेद इस एतबार से है, और ख़ास तौर से मैं ये बात करता हूँ कि जो भाषा वो लोग बोलते हैं वो ख़ास तौर से मेरे उत्तर प्रदेश के लिए कतई नामुनासिब है। कौन सी भाषा? जो भाषा वो बोलते हैं, थोड़ा खुल के कहिए। जो भाषा वो बोलते हैं उत्तर प्रदेश के लिए वो कतई नामुनासिब है। हैदराबाद की हद तक ठीक है, जो चाहे करें आप हैदराबाद में। जो भाषा गलत है वो हैदराबाद में भी गलत है। और नहीं, हर जगह का माहौल होता है। उन्होंने अपना माहौल वहाँ क्या बनाया हुआ है, मैं उसमें मदाखलत नहीं करता, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए मुझे लगता है वो भाषा ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हर वो इंसान, मैं हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, जो हिंदू और मुसलमान को आमने सामने करने की बात करता है, टकराव की बात करता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। वो चाहे योगी आदित्यनाथ हों या असदुद्दीन ओवैसी हों या आजम खां हों या खुद मैं हूँ। अगर आपकी आजम खां से भी नहीं बनती? नहीं, मेरी किसी से भी नहीं बनती है। अच्छा, हर मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। हर वो शख्स जो हिंदू मुस्लिम मतभेद की बात करता है, लड़ाने की बात करता है या इनमें डिफरेंस पैदा करने की बात करता है, मैं उसको नापसंद करता हूँ। मैं एकता और भाईचारे की बात करने वाला आदमी हूँ, एकता और भाईचारे की जो बात करता है मैं उसका हिमायती हूँ। आपने एकता और भाईचारे की बात की, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, एक सूफी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने गए थे, एकता और भाईचारे का भाषण दे रहे थे, आपने तब उसका भी विरोध किया था 2016 में। जी, मैं कहाँ पे गए थे? सूफी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में जो दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में रामलीला में, रामलीला मैदान में? जी,
नरेंद्र मोदी कुछ लोगों का इस्तेमाल करना और पूरे समाज का इस्तेहसाल करना, उसको नुकसान पहुंचाना। इस्तेहाल, इस्तेहसाल, इस्तेहसाल क्या मतलब होता है इसका? इस्तेहसाल नुकसान पहुंचाना, इस्तेहसाल नुकसान पहुंचाना। By the time I finish this interview, I'm gonna be superbly confident in Urdu. जी, please continue. हाँ, कुछ ठीक, मतलब उर्दू भी समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी। अरे नहीं, देखिए मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ वहाँ पे हिंदी साहित्य, मैंने हिंदी साहित्य में MA किया है और एक सेमेस्टर में एक पेपर उर्दू का कंपलसरी होता था। अच्छा, हाँ, तो ये सब शब्द मैंने वहीं सीखे थे। मुश्तरका तहजीब, भाई वाह माशाल्लाह, क्या बात है आपकी, क्या बात है। हिंदुस्तानी जबान का मरकज, जी बोलिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, नहीं मोदी जी, मोदी जी के बारे में क्या कहें, कथनी और करनी में जिन लोगों का अंतर है। मिले हैं कभी आप उनसे? ना, मैं कभी नहीं मिला हूं और मैं कभी मिलना भी नहीं चाहूंगा। क्यों? प्रधानमंत्री हैं हमारे, आपके देश के, मिलने में क्या दिक्कत है? जिनसे मतभेद है, मन भेद है, उनसे मिलने का कोई मतलब नहीं। हम दिखावे वाले लोग नहीं है कि मन में हम आपको नापसंद करते हैं और आपसे हाथ मिला के आपके सामने बैठ जाएं। जी, हमारा जब तक उनका तरीका दुरुस्त नहीं, उन वो अपने जो उन्होंने ऐलान किया है कि सबका साथ सबका विकास, वो उस पर अमल करके दिखाएं, हम उनके साथ भी बैठने को तैयार हैं, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहना कुछ और करना कुछ, वो लोग जो अपनी जनता को ये समझाते हैं कि कपड़ों से पहचानो, कपड़ों से पहचान करवाने वाले लोग, उन लोगों के साथ ना हम बैठना पसंद करते हैं ना उनसे हाथ मिलाना पसंद करते हैं। ठीक बात है। अच्छा, ये तो सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे लिए तमाम हिंदुस्तान के 130 करोड़ सारी जनता के तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हें उन 130 करोड़ को अपना समझना चाहिए, उसमें से कुछ को, ये कि इनको पहचानो, इनके कपड़ों से इनकी पहचान करो, इनको मारो, लिंचिंग करो, ये भी कहा है, ये तो कभी नहीं सुना। अब इस किस्म की गुफ्तगू आप मुझसे करोगे तो फिर मैं कैसे बात कर पाऊंगा। नहीं नहीं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है लिंचिंग करो, कपड़ों से किस लिए पहचान कराई थी? आप बताइए क्या कपड़ों से किस लिए पहचान कराई गई थी? किस लिए कहा था कि इनको पहचानो, कपड़ों से पहचानो, टोपी से पहचानो, किस लिए पहचान कराई गई थी? आप 130 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ को अपना बच्चा समझना चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बाप की तरह है, ठीक, वो अगर अपने बच्चों में इसको कम और इसको ज्यादा समझता है तो ये अच्छा, अच्छे बाप के ये लक्षण नहीं होते। सब एक तरह से होने चाहिए, सब एक तरह से होने चाहिए। अच्छा, ये दो तीन और मसले हैं जो धार्मिक नहीं है, राजनैतिक और सामाजिक है, मैं उन पर आपकी राय चाहता हूँ। आपने आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, आज उर्स कंप्लीट हुआ है मेरे ख्याल से आला हजरत का, जी जी जी, है ना, तो आपने तो एक तो वक्त दिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हमें कहा गया साहब आज के दिन तो मिलना बड़ा मुश्किल है, देश विदेश से इतने लोग आए हैं। क्या कहते हैं धर्मार्थियों को? जायरीन, जायरीन नुक्ता है, जायरीन। ये मैं आज के अखबार में कुछ तकरीरें पढ़ रहा था, है ना, और आपकी भी तकरीरें बड़ी मशहूर होती हैं, तो उसमें लिखा था कि कई लोग आए, उन्होंने भाषण दिए, तकरीर मतलब भाषण है ना, जिसमें औरतों की पर्दा प्रथा पे बड़ा जोर दिया गया कि पर्दे में रहना चाहिए आदि इत्यादि। खान साहब, हम पूरी दुनिया में नज़र उठा के देखते हैं, कौन सा ही काम है जो औरतें नहीं कर सकती? वो आसमां में जाती हैं, स्पेस में जाती हैं, ओलंपिक के स्टेडियम में रफ्तार से भागती हैं, मेडल जीतती हैं, इस देश में पुलिस अधिकारी, फौज, पॉलिटिक्स, कहाँ नहीं है औरतें। साइंटिस्ट, इसरो में जाइए, बड़ी बड़ी लैब में जाइए, कोरोना के टीके बना रही हैं औरतें, तो पर्दे में रहेंगी तो ये सब काम कैसे? पर्दे में रहने का ये मतलब नहीं है, क्या मतलब है? कैद रखा जाए, छुपा के रखा जाए, जी। पर्दे में रहने का ये मतलब है कि बेहयाई से बचा जाए, इस्लाम में हुक्म दिया गया है और बचना चाहिए। और इस मौजू पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, उर्दू थोड़ी बहुत आप समझते हो, डिक्शनरी उठा के देख लेना
औरत के असल में मायने क्या है, क्या है आप बताइए। नहीं नहीं ये तमाम ये मैं अपने तमाम सामईन के लिए और आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। मैं अजीज मियां की कव्वाली सुनता हूँ, वो भी बहुत बोलते हैं सामईन। सामईन का मतलब क्या होता है? जो मुझे सुन रहे हैं। अच्छा, श्रोताओं को वो दर्शकों को आना चाहिए। सामईन एक शेर पढ़ता हूँ आपके लिए, याद रखिएगा। है देखिए, औरत जो लफ्ज है, औरत को तो आप औरत मानते हो या नहीं मानते हो? औरत को औरत नहीं मानूंगा तो आदमी थोड़ी मानूंगा। मानते हो ना, औरत को औरत कहते हो जी। और औरत का मतलब क्या है? लफ्ज़े औरत का मतलब क्या है? क्या है औरत? सतरे औरत तो हमारे पास भी है। और औरत का है जिनको आप छुपा के रखते हो, उसे आजा क्या होते हैं? पार्ट्स, आजा। अच्छा, बॉडी के पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स को छुपा के रखते हैं। ऐसे आजा है ना जिन्हें छुपा कर, उन्हें सतरे औरत ही कहा जाता है। और औरत, औरत का मतलब है पोशीदा रखने की चीज, तमाम लोगों की नजरों से बचा के रखने की चीज। खान साहब, ये सब तो पुरानी इंटरप्रिटेशंस हैं। अच्छा, तो फिर आप प्राइवेट पार्ट छुपा के चलना छोड़ दीजिए। ये तो पहले से चला प्राइवेट पार्ट, क्यों हम कपड़े पहने? बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं आप। प्राइवेट पार्ट छिपाना और ये तय करना कि आदमी और औरत कैसे कपड़े पहनेंगे, जिंदगी में क्या कितना पर्दा करेंगे नहीं करेंगे, वो बेहयाई कौन तय करेगा? वो औरतें तय करेंगी उनको कैसे जीवन जीना है। नहीं तो हमारा काम तो बताने का है ना, माने ना माने। जबरदस्ती तो नहीं की जा रही कहीं। अच्छा, लोग बाकी बेपर्दा भी घूम रहे हैं तमाम, लेकिन जो इस्लाम के अहकाम हैं, आदेश हैं, वो लोगों तक पहुँचाना हमारे उलमा की जिम्मेदारी है। वो अपना काम करते हैं। जैसे लड़कियां स्पोर्ट्स, उसे उस पे किसी को एतराज नहीं करता। जैसे स्पोर्ट्स में लड़कियां हैं तो हो सकती है कि नहीं? जैसे मैं एक बात कहता हूँ, मोबाइल आज आम है, बच्चे के पास है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ये वक्त की जरूरत है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स खास तौर से, उस मोबाइल के जरिए, और मोबाइल में सिर्फ फोन नहीं है, इंटरनेट है और उसमें कहां से कहां बच्चा हमारा जा रहा है, समझ रहे हैं आप? तो देश में जितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं ये मोबाइल है, जो हमने अपने उन टीनेजर्स को दे रखा है जिनमें अभी परिपक्व नहीं है, जो उतनी समझ नहीं है। अब उस मोबाइल के जरिए हमारे बच्चा हमारे सामने है, लेकिन मोबाइल के जरिए वो कहां किसके कॉन्टेक्ट में है हमें नहीं पता। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर बच्चे को मोबाइल दिया है तो कम से कम उसका पासवर्ड तुम्हारे पास होना चाहिए, लैपटॉप भी दो बच्चे को, कंप्यूटर भी दो, मोबाइल भी दो। कितनी दुरुस्त बात। लेकिन उसका पासवर्ड तुम्हारे पास होना चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार उसके लैपटॉप को मोबाइल को जरूर चेक करो। पेरेंटल निगरानी, जब तक वो वयस्क नहीं है। जी, लड़का हो या लड़की। हाँ, लड़का या लड़का। पर वयस्क होने के बाद एक 18 साल का लड़का या लड़की यदि इस देश का विधायक सांसद कौन होगा, सरकार कैसी चलेगी, नीतियां कैसी बनेंगी, 21 साल का होने पर खुद प्रधान हो सकता है, 25 साल का होने पर विधायक और सांसद हो सकता है, 35 साल का होने पर राज्यसभा जा सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, तो फिर वो ये भी तय कर सकता है लड़का हो या लड़की, उसे कैसे जीना है, क्या करियर चॉइसेस करनी है। उस पे कहां पाबंदी लगाई जा रही है? नहीं है। वो तो अपनी मर्जी से जी रहा है। तो फिर ये पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है, जिस गाइडेंस की, वो तो उन्हें पूरी करनी चाहिए। हमारे उलमा की जो जिम्मेदारी है सही और गलत बताने की, वो तो उन्हें करनी चाहिए, और कोई बंदिश नहीं उसको मानने की। उस्ताद की जो जिम्मेदारी है सिखाने की, वो तो उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उस्ताद सिखाएगा, बच्चा कितना सीख रहा है ये बच्चे पे। ये उस्ताद जी क्या कहते हैं? जैसे लड़कियां स्पोर्ट्स में जा सकती है या मॉडलिंग में या एक्टिंग में? नहीं, हर फील्ड में बच्चे हमारे जा रहे हैं, जा सकते हैं ना, फील्ड में जा रहे हैं और जाना चाहिए। वक्त के साथ चलना चाहिए, इस किस्म की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। हमें उनका लिबास नहीं तय करना चाहिए कि जो मॉडलिंग करती है बच्ची वो कैसा लिबास पहनेगी। ये आपने बड़ी दुरुस्त बात कही। देखिए, जब मुझे तो ज्यादा जानकारी थी नहीं। कुछ उलमा इस किस्म के काम करते हैं और वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए फतवे जो जारी करते हैं, ये इस किस्म के मामलात में जो मॉडलिंग लाइन में है या स्पोर्ट्स में है, उनकी ड्रेस आप तय नहीं करेंगे। आपको तय नहीं करनी चाहिए, ना उनके ड्रेस पे कोई फतवा लगाना जब चाहिए। जब मैं बरेलवी संप्रदाय के बारे में, अच्छा फतवा हर चीज पे लगाया जाना, ये फतवे की तौहीन कर रहा है मेरी नजर में। जी, मुझे तो किसी भी विषय में
किसी भी किस्म की किसी भी धर्म की सम्मति समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड समझ में आता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक आखिरी सवाल में जानना चाहता हूं, इंडियन पीनल कोड के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो कुछ जगहों पे हम बड़े खसारे में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? नुकसान में। खसारा? खसारा, खसारा। क्योंकि भारत का संविधान आज की तारीख में ये कहता है कि कोई गे है तो ये उसका जाति मामला है। बिल्कुल। लेस्बियन है, ये उसका जाति मामला है। बिल्कुल है। तो मैं भाई इसके खिलाफ हूँ। ये भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ये कौन तय करेगा? मैं तय करूंगा। मैं भारतीय सभ्यता जानता हूँ, संस्कृति जानता हूँ। ना हिंदू ये मानेगा कि ये लेस्बियन और गे ये बिल्कुल दुरुस्त है, ना मुसलमान कोई मानेगा। लेकिन संविधान ने इजाजत दी हुई है, ठीक दी है। और किस दिशा में हमें हमारा ये लोग लेके जाना चाहते हैं हमारी समझ में नहीं आता। इस देश के संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। अब भाई अगर हमारे बच्चों को गे और लेस्बियन बना दे, बनाना कोई राह पे ले जाने की कोशिश, खास साहब कोई लेस्बियन बनाता नहीं जब, है वो जब, तो जब इतनी छूट दी जाएगी, इतनी आसानी पैदा की जाएगी, इतना उनको इतना खुद मुख्तार बना दिया जाएगा, तो ये सब परिष्ट हो जाएंगे भाई। हिंदुस्तान की सभ्यता चकनाचूर हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। हमें ऐसे तमाम चीजें जो तो जैसे कुदरत के खिलाफ है ये तमाम। ये बताइए कि जैसे कोई गे और लेस्बियन है तो क्या उसको डंडा मार के सीधा करें, कैसे करें? वो तो है उसकी चॉइस है। अरे भाई कोई चोर है तो वो तो है उसकी चॉइस है। चोर को चोरी की सजा मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर इस किस्म का गैर इस्लामी गैर शरई और गैर फितरी फेल कोई करता है, उस गैर फितरी अननेचुरल, अच्छा ये बताइए, ये अगर कोई फेल करता है उसको सजा दी जानी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी बेटी मेरे घर के सामने किसी गैर मर्द के साथ रह ले या अपनी सहेली के साथ रह ले, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बात और पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, कानून को हस्तक्षेप करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि कोई चोरी करे, जब कोई चोरी करता है तो किसी दूसरे का नुकसान करता है। मान लीजिए कोई आया मेरी ये लाल डायरी लेके चला गया। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी। तो गे और लेस्बियन अगर कर रहा है तो वो समाज का नुकसान कर रहा है, देश का नुकसान कर रहा है, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का नुकसान कर रहा है। वो मुजरिम है, मेरा मुजरिम नहीं बल्कि मेरे देश का। ये एक लंबी बहस है और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं खान साहब की इस इंटरप्रिटेशन सहमत नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी सहमत नहीं है। एक आखिरी सवाल। लेकिन पूरा देश मेरी इस बात से सहमत है। नहीं, आप किसी भी आम आदमी से पूछ लें वो यही कहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। एक टर्म और चलता है, होमोफोबिया। अब उस पे भी कभी बात करेंगे। जो लोग इस लाइन में चल रहे हैं वो आपकी बात की हिमायत करेंगे और कोर्ट की हिमायत करेंगे। एक आखिरी सवाल, ये एक शब्द है जो मैंने पहले पहल बिहार की पॉलिटिक्स में सुना था, पसमांदा। तो हम पिछड़ा है ना, पसमांदा। आप हमारे पार्ट टाइम उर्दू टीचर भी हो गए कि साहब पसमांदा समाज, और बताया गया कि जब मैं यहाँ आया ना, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, तो हमको फिर समझाया गया, एक नई चीज पता चली। अच्छा, हम सफर पे निकलते हैं तो इसी इरादे और मकसद से कि जैसे आज आपके साथ बैठा तो तमाम चीजें पता चली कि आप अलग अलग वोटर्स से, नेताओं से, विद्वानों से मिलते हो और उनकी राय पता चलती है। तो हमने कहा अच्छा साहब फलाने नेता बोले रहे हो सिर्फ मुस्लिम कहने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा मतलब? बोले वैरायटी है। उनका अच्छा साहब क्या वैरायटी है? बोले फलाने पठान हैं, ढिकाने तुर्क हैं, ये शेखजादे हैं, ये सैफी हैं, ये अंसारी हैं। हमने कहा भाई साहब खोल के बताइए तो जातियां गिनवा दी गई है डॉक्टर साहब कि ये हैं वो हैं। फिर एक बहुत बड़े नेता का नाम लिया, हमने कहा अच्छा वो उनकी पॉलिटिक्स। अरे बोले छोड़िए वो पठान थोड़ी हैं, वो तो फलाने हैं। तो ऐसा दिव्य ज्ञान हमको मिल रहा है। नहीं तो ये, तो मैं जरा आपकी राय जानना चाहता हूँ। ये हर जगह है। मैं आपकी ये राय जानना चाहता हूँ। कई लोगों ने कहा कि तौकीर साहब की जो पॉलिटिक्स है वो रोहिल्ला पठानों की पॉलिटिक्स है, उनसे ज़रा ये पूछा जाए कि जो पसमांदा मुस्लिम हैं, जो पिछड़े मुस्लिम हैं, उनकी कितनी गुंजाइश है उनके यहाँ? नहीं देखिए, ऐसा है हमारे यहाँ, एक तो मैं धार्मिक गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता हूँ। ये सोशल और पॉलिटिकल है। मजहबी आदमी हूँ। सोशल और पॉलिटिकल गुफ्तगू है। मजहबी। तो मेरी जो तंजीम है उसमें हर
हर बिरादरी हर तबके के लोग, मतलब पार्टी, हाँ अच्छा संगठन, हाँ संगठन, तो उसमें हर तबके हर बिरादरी के लोग हैं। दूसरी बात ये कि मुसलमानों में जो ये कहता है कि ये फला बिरादरी का है फला बिरादरी का है, हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। जो मुसलमान है सब आपस में भाई है, हमें ये हुक्म दिया गया है कि जो मुसलमान है वो आपस में भाई है, बरेलवी और देवबंदी वो छोटा और बड़ा नहीं है। हाँ। वो अमीर गरीब में नहीं बांटा जाएगा और पिछड़े और अगले में नहीं बांटा जाएगा। ठीक बात, हम तमाम एक हैं। और बरेलवी देवबंदी मैं तो कहता हूँ सारे मुसलमान हैं, लेकिन जो रसूल की शान में गुस्ताखी करे, रसूल मतलब पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर की शान में, बुजुर्गाने दीन की शान में, अल्लाह की शान में जो गुस्ताखी करे, आला हजरत ने जिसे काफिर करार दिया हमारी नजर में वो काफिर है। मुसलमान अगरचे वो मुसलमान कहलाया जाता है, मुसलमान कहा जाता है, मैं भी उसे मुसलमान मान रहा हूँ, लेकिन काफिर मुसलमान है। ये बार बार ये तर्क आ रहा है कि आला हजरत ने जिसे काफिर करार दिया है, जैसे मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है तो मैं काफिर हूँ फिर आपकी नजर में? नहीं जी, काफिर देखिए ऐसा है, काफिर वो है जो किसी चीज के होने का इनकार करे। किस चीज के होने का इनकार करें? भाई आप चश्मे के होने का इनकार कर दीजिए तो मैं काफिर हो गया। अल्लाह है। हाँ। अल्लाह है। हाँ। और आप मानते हो, आप उसे किसी, मैं अल्लाह कहता हूँ उसे, आप उसे ईश्वर कहते हो, लेकिन उसी को आप मानते हो जिसे मैं मानता हूँ, जिसने दुनिया को पैदा किया। जिसने दुनिया को पैदा किया आप उसको मानते हो, मैं उसको मानता हूँ, तो आपको काफिर नहीं कहा जा सकता। आप हिंदू हैं, आपकी आस्था अलग है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप पैदा करने वाले को मानते हो, मान लीजिए कोई साइंस को मानता है और कहता है कि साहब ये तो इवोल्यूशन के क्रम में अरबों बरस में अमीबा से यहां तक का सफर तय हुआ, इवोल्यूशन साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड, तो फिर वो काफिर है आपकी नजर में? काफिर है तो तमाम साइंटिस्ट काफिर हो गए। जो अल्लाह को नहीं मानता और ये कहता है कि जो कुछ है दुनिया खुद ब खुद है इवोल्यूशन, मतलब इसको कोई बनाने वाला नहीं है, खुद ब खुद बन गई, नेचर ने बनाया, जो पैदा अपने पैदा करने वाले को नहीं मानता है वो हमारी नजर में काफिर है। वो हमारी नजर में काफिर। चलिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प और तमाम नई चीजें सिखाने वाली बातचीत थी। टॉकी रजा खान साहब, आपने लल्लन टॉप को इतना वक्त दिया, अरे भाई बहुत शुक्रिया, और इतने धैर्य के साथ तमाम उर्दू के शब्दों के मानी भी बताए, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और अब आपकी बारी है, इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लोकतंत्र की जमहूरियत, देखिए हमारी उर्दू भी थोड़ी ठीक हो रही है, जमहूरियत की ये खूबी है कि इसमें संवाद यानी आपसी बातचीत का सिलसिला चलते रहना चाहिए, और इसी से तमाम जो अलग अलग मत संप्रदाय विचारों के लोग हैं वो आकर एक तरक्की पर, एक कौम की तरक्की, और उस कौम का नाम है हिंदुस्तानी कौम, उसकी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी ठीक ठाक तकरीर दे सकता हूँ, हिंदुस्तानियत का काम होना चाहिए, मेरी तकरीर भी ठीक है, क्या लाजवाब है। देखते रहिए लल्लन टॉप, शुक्रिया।